गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 7.11. फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपर्टी के बिना करता हूँ तो भी मैं कर लूँगा. इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2. उसके बाद मैं अलग अलग स्प्लिट कर लूँगा और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लूँगा. लेकिन उससे थोड़ा सा आपका इजी मेथड है प्रॉपर्टी लगा के. देखिए कैसे, आई इक्वल टू, इसको आई एज्यूम कर लीजिए, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब इसमें 0 टू ए की प्रॉपर्टी लगेगी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स. ये आपका वन इक्वेशन हो गई. 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स. ये क्या हो गया आपका, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया. ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई. अब आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया. 1 dx का मतलब क्या हो गया, x हो गया. अब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लीजिए, पाई बाई 2 माइनस 0 और ये आपका आई है तो आई क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 4. इस टाइप के क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, इन पांचों क्वेश्चन में सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है. अधिकतर क्वेश्चन 0 टू ए वाले हैं, या तो क्वेश्चन आपको 0 टू ए वाले मिलेंगे या आपको ए टू बी वाले मिलेंगे. तो मैंने कहा था मेन प्रॉपर्टी तो ए टू बी वाली है, 0 टू ए तो उसका एक पर्टिकुलर केस है. तो आपको करना क्या है, इन सारे क्वेश्चंस में आप जब भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा. और जब भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा तो आपका क्या होगा, जब वो ऐड होगा तो कुछ ऐसा होगा कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और वहां पर आपका 1 आ जाएगा. 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे और जो 2i है उसमें i की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे. ये पांचों क्वेश्चंस में सेम लॉजिक का यूज हुआ है. अब मैं आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं. इसको i के बराबर मान लीजिए, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों. अब आप यहां पे a माइनस x की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका ये आ जाएगा अपॉन साइन 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स. तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 5 एक्स अपॉन साइन 5 एक्स प्लस कॉस 5 एक्स. इसका आंसर इधर लिख दिया, इसका आंसर इधर लिख दिया. अब आपका ये 2 हो गया. एड 1 एंड 2, जैसे ही आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x. ये आपका सेम चीज आ गई, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 1 हो गया. 1 का मतलब x हो गया. फिर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, पाई बाई 2 आया, उसके बाद i इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 15, 17 सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, या तो 0 टू a की प्रॉपर्टी लगी होगी या a टू b की प्रॉपर्टी लगी होगी. तो आपको पता है कि कैसे करना है. लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सारे क्वेश्चंस का एक ही लॉजिक है कि आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा. डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, जैसे ही ऐड करेंगे उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा. ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन माइनस 5 टू 5 मॉड के अंदर लिखा है x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है. तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन जो है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू माइनस 2 पर ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा. नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब है वहां पर माइनस 2 पर आपकी क्या रही होगी, शार्प जा रही होगी. तो क्या होगा, यानी कि वहां से ग्राफ जो है, ये ग्राफ माइनस 5 से माइनस 2 जाएगा और फिर आपका ये ग्राफ माइनस 2 से 5 तक जाएगा. यहां से आपने इसको इक्वल टू 0 किया तो उस पॉइंट पर वो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया. कॉन्टिन्यूस तो है फंक्शन, लेकिन उस माइनस 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन माइनस 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है.
क्योंकि वहां पे शार्प एज आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इस ग्राफ की लिमिट को स्प्लिट कर लिया। जैसे यहां पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर P2, A2B, A2C प्लस C2B, यानी कि मैंने -5 से -2 तक गया मैं, फिर उसके बाद -2 से 5 तक गया, मैंने जो है इसको स्प्लिट कर लिया। अब आप खुद बताइए -5 से -2 के बीच में कोई एक वैल्यू आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने -4 ले ली, तो जैसे ही मैं -4 प्लस 2 रखूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा फंक्शन, वो आपका माइनस में आएगा। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी निगेटिव हो जाएगी, ये मैंने निगेटिव लगा दिया यहाँ पे dx। अब -2 से 5 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये हो गया। अब मैं बहुत आराम से सॉल्व कर लूंगा। अब देखिए ये माइनस लगा हुआ है, बाहर लगे रहने दीजिए, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। अब -5 और -2 इसको मैं अलग सॉल्व करूंगा, प्लस यहां आ जाइए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ये आपका मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, पहले मैं -2 सब में रख देता हूं, -2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, और ये 2 इंटू -2 -4, ये आपका अपर लिमिट आ गया। माइनस लोअर लिमिट रखता हूं 25/2 और माइनस का 10। अब ये क्या हो गया, -2 हो गया, ये मैंने अभी इतना हिस्सा सॉल्व किया, ये आपका आ गया -2 और ये माइनस का 25/2 और प्लस का 10, 10 में से 2 गया 8, ये आपका आ गया 8 - 25/2, 25 16 गया 9/2 -9/2, ये आपका 9/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले 5 रख देते हैं, 5 का स्क्वायर 25/2 और प्लस का 10, ये हो गया माइनस, माइनस का 2 4/2 2 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25/2 प्लस का 10 2 -4 -2 -2 प्लस 2, ये आ जाएगा, ये आपका हो गया 25/2 प्लस 12 24 प्लस 20 24 प्लस 25 49/2 58/2 आंसर 29। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान से काम करना है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इसमें आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 लगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 18 में यही काम हो रहा है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि किस पॉइंट पर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और उस लिमिट को वहां से वहां तक स्प्लिट कर दीजिए, यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, और बहुत ध्यान से सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस पे बेस है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो आप इसकी मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर सकते थे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये जो है ये होल पावर एन आ रहा है और फिर इसमें मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो कोशिश करता हूं मैं, ये आई के बराबर मान लीजिए, 0 to a है प्रॉपर्टी, तो 0 to a की प्रॉपर्टी a माइनस x लगा दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, 0 to a यानी कि a माइनस x, 1 माइनस, जहां यहां x लिखा है वहां पे 1 माइनस x लिख दीजिए। अब देखिए 1 माइनस x, ये क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर n। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, ये आपका ये i है। अब आप इनको ऐड मत करिए, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये तो सब इक्वल चल रहा है ना। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, x टू द पावर n dx माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx, सॉल्व कर लीजिए, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, माइनस यहां आ जाइए, यहां पर x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और यहां पर आप 0 to 1 ये आप लगा दीजिए,
यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 0 1, यानी कि 1 अपॉन एन प्लस 1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर 1 रखिए तो यहाँ पर भी आएगा 1 अपॉन एन प्लस 2। बस आप इसको यही आप आंसर लिख करके छोड़ दीजिए, यही आंसर 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब इनको ऐड नहीं करना है बच्चों। ऐड तो वहां करना होता है जहां पर आपको डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलकर के सेम चीज आ रही हो, वहां पे ऐड करना है। यहां पर तो ये इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, बस इसके बाद सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहां से मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन, माइनस ए टू ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब तो बच्चों मैं इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी पढ़ चुका हूं। माइनस ए टू ए, अगर ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं इसको, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया हुआ है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। ये लिखा आपने, ये आपका यही आ जाएगा, यानी कि ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि ये और ये इक्वल आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको, अब आप आराम से कर लेंगे, मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। जीरो टू पाई बाई टू, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको ये, अब यहां देखिए बच्चों, यहां पर भी जीरो टू ए है, समझ लीजिए। अब आप देखिए कि इसको आई इक्वल टू जीरो टू टू पाई कॉस टू पाई माइनस एक्स, कॉस टू पाई माइनस एक्स किस में आएगा, इसमें आएगा। यहां पर कॉस जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि ये तो सेम सेम आ गया। यहां पे आपका क्या हो गया, एफ जीरो टू ए प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और ये आपका सेम आ गया, इफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा हो रहा है, ये तो सेम आ गया, जीरो टू टू पाई कॉस की पावर फाइव एक्स डी एक्स, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स, यूजिंग प्रॉपर्टी पी सिक्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर ये और ये इक्वल आ जाता है, ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा एफ एक्स है, और मैंने इसमें टू ए माइनस टू पाई माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई और सेम आ गया, तो यानी क्या हो गया यहां पर, एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या आता है, ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस जीरो टू ए यानी पाई हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब आप देखिए ध्यान से, पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एक्स क्या होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यानी ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कॉस 5 एक्स डी एक्स। ये आपका फर्स्ट हो गया इक्वेशन, ये आपका 2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2i इक्वल टू, जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, यानी i इक्वल टू 0 आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, 0 टू 2a है, उसके बाद सॉल्व किया, देखा बराबर आ गया, तो बराबर आने के बाद ये प्रॉपर्टी लगाई। अब हमारा ये यहां से समझ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, समझ लीजिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, 2 बाहर कर दीजिए, 2 से परेशान मत होइए, 2 बाहर कर दीजिए। अब आपका क्वेश्चन है 0 टू पाई दिस, मैंने फिर से प्रॉपर्टी लगाई a माइनस एक्स की। जब मैंने a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई तो ये मेरा किसको, इनको जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ा तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 0 आ गया। थैंक यू।